हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास दैट इज प्रोवाइडिंग बाय योर स्कूल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मोह प्रतापगढ़। आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा। टुडे आई एम हियर विथ योर इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर क्लास फोर्थ। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू डू वेरी गुड एट योर होम एंड यू आर ऑल डूइंग योर स्टडी विथ योर ऑनलाइन क्लासेस परफेक्टली। ओके, सो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे विथ अवर बुक। एट दिस इज अवर बुक, एवरीवन विल ओपन योर बुक विथ अ पेंसिल इन योर हैंड and let's see in the contents what we were reading in our previous classes and what we have done in our classes. Okay, so the first chapter we have done, chapter 2 bhi humne pad liya bachcho, part of a sentence. Humne chapter 3 complete kiya, kinds of nouns, and we were reading the chapter number 4 pronoun in our previous class. Okay, so let's move to the chapter number 4 on page number 21. This is the first chapter. The chapter 2nd, part of sentence. Okay, chapter 3, kinds of nouns, and here is the chapter number 4, pronoun. Okay, pronouns means sarvanam, and we learn here kinds of pronouns. First, personal pronoun. Second, reflexive pronoun, and third, emphasizing pronoun. Fourth, demonstrative pronoun. Okay, so today we are going to learn or read the interrogative pronoun. Okay, so let's start with our chapter, part 5, interrogative pronouns. Okay bachcho, so interrogative pronoun is used for asking a question such as who, what, whose, which, whom, etc. Interrogative pronoun ko hum bachcho bolte hain prashnavachak. Interrogative ka matlab hoga प्रश्नवाचक, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ओके बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम से हमें एक चीज समझ में आती है कि ये प्रोनाउन यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, सो सच एज हु, व्हाट, हूज, विच, होम, एक्सेट्रा। सो दीज आर द वर्ड विच इज यूजफुल फॉर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स अबाउट दैट। फर्स्ट, हु इज कमिंग हियर, यहां कौन आ रहा है। ओके, नंबर टू, हुम वुड यू लाइक टू सी, तुम किसे देखना चाहोगे। नंबर थ्री, हुज पेंसिल इज दिस, या किसकी पेंसिल है। एंड नंबर फोर, हु, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ओके बच्चों, सो दिस इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोनाउन एंड लास्ट, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं बच्चों संबंध सूचक, संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक या रिलेटिव का मतलब आप समझते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है जब दो सेंटेंस को जोड़ना। ओके, रिलेशन का मतलब ही होता है जुड़ना। ओके, द प्रोनाउन दैट जनरली कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस एंड कम्स आफ्टर द नाउन्स इट स्टैंड फॉर। ओके, द प्रोनाउन वो सर्वनाम जो साधारणतया, ओके, जनरली का मतलब साधारण रूप से, कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस या दो वाक्यों को जोड़ता है। ओके, एंड कम्स आफ्टर द नाउन, और नाउन के बाद में आता है। इट स्टैंड फॉर हुज, हुम, हु, दैट, एक्सेट्रा। ओके, और ये वर्ड्स हैं हुम, हुज, हु, दैट, एक्सेट्रा। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक रीना इज, फर्स्ट है हमारा रीना इज डांसर, सेकेंड सेंटेंस है हर डांस इज वेरी गुड। ओके, सो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, रीना इज अ डांसर हुज डांस इज वेरी गुड। ओके बच्चों, रीना एक नर्तकी है। ओके, हुज मीन्स जिसका, जिसका नृत्य बहुत ही अच्छा है। ओके, जिसका डांस बहुत अच्छा है। नंबर एग्जाम्पल टू है हमारा, This is the girl and second sentence the teacher praised her. So हमारा relative बनेगा जब हम जिसे इन दोनों sentence को connect करेंगे तो ये बनेगा This is the girl whom the teacher praised. या वह लड़की है जिसे अध्यापक ने तारीफ की, या जिसकी अध्यापक ने तारीफ की। ओके, नंबर थर्ड है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस रवि इज अ बॉय, ही टूक अवे माई शर्ट। सो हमारा कनेक्ट करने पे सेंटेंस बनेगा रवि इज अ बॉय हु टूक अवे माई शर्ट, जो मेरी शर्ट ले गया। ओके, एंड नंबर फोर, दिस इज द हाउस
मिस्टर शर्मा बिल्ड इट, दिस इज द हाउस दैट मिस्टर शर्मा बिल्ड, या वही घर है जिसे मिस्टर शर्मा ने बनवाया. ओके, सो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स whom, who, that, do double work. They join two sentences, that is work, as conjunctions. However, they also refer to the nouns dancer, boy, house that go before them. Okay, so they are called relative pronouns. Okay, बच्चों, so यहाँ पे आप देखिए the words whom, शब्द whom, who, that, do double work. यहाँ पे इन शब्दों ने डबल काम किया है या दोगुना काम किया है. दैट दे ज्वाइन टू सेंटेंसेस, उन्होंने दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ा है. दैट इज वर्क एज कंजक्शंस, जो कंजक्शन की तरह काम करता है. ओके, हाउएवर, जबकि दे आल्सो रिफर टू द नाउन्स, और इन्होंने नाउन को भी रिफर किया है या नाउन को भी नाउन के बारे में भी बताया है. डांसर, बॉय, हाउस, दे आर द नाउन्स That go before them, जो इनके बारे में जो इनसे पहले आए हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, सो इसलिए इन्हें संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है. ओके,